पहले हम लोकस सीखते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, लोकस के मुश्किल क्वेश्चन मैथ्स में होते हैं, फिजिक्स में बड़े बेसिक से सवाल होते हैं। लोकस होता है, इट इज पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, ठीक है, जिसे वो फॉलो कर रहा है। अब देखो इसका तरीका क्या है, अगर आप किसी पाथ की इक्वेशन दिखाने जा रहे हो, वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे, तो उसमें अगर वो टू डायमेंशन है तो एक्स वाई लिखा, एक्स वाई में होगी इक्वेशन, थ्री डी है तो एक्स वाई जेड में होगी, वन डी है तो केवल एक्स में होगी। और हम ये पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, कि अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई, बाकी तो कॉन्स्टेंट होता है ना किसी गिवन लाइन के लिए। मान लो पैराबोला भी है तो पैराबोला की इक्वेशन मान लो मैं ये एक्स ये लिख दूँ, तो एक्स और वाई के अलावा ए बी सी क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब केवल x और y ही वेरिएबल है इस कर्व में, बाकी सब कांस्टेंट है। ऐसी कोई भी इक्वेशन सोच लो आप, सर्कुलर कुछ भी, तो x y ही वेरिएबल होते हैं, 3D में x y z बन सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा से एक फंडा मिल गया कि अगर आपको जो सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन में आप x y के अलावा जो तुम्हें वेरिएबल दे रखा है उसको एलिमिनेट कर दो, उड़ा दो उसको। अब वेरिएबल कौन होते हैं, तो ज़्यादातर केस में बच्चों वेरिएबल होता है टाइम, भाई टाइम सबसे बड़ा वेरिएबल है, वक्त हमेशा बदलता है, हम बदलें ना बदलें, वक्त तो बढ़ रहा है, बदल रहा है ना। तो ऐसे केस में, ज़्यादातर केस में तुम्हें जो सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं उनमें टाइम ही वेरिएबल होता है 99% केस में। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फाइंड द लोकस ऑफ अ पार्टिकल फाइंड द लोकस ऑफ अ पार्टिकल हूज पोजीशन आर गिवन एज एक्स इक्वल टू 80 और वाई इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें लोकस बताना है बच्चों, तो साफ पता लग रहा है कि एक्स वाई के अलावा जो वेरिएबल उसे उड़ा दो, तो ए बी तो उसने बोल दिया कि कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल कौन बचा फिर, टाइम। तो टाइम को उड़ाना है, तो टाइम को उड़ा, एक बच्चे का मैंने बेटा टाइम उड़ा दिया, कहता है सर वैसे तो मैं टाइम सारा उड़ा ही देता हूँ, लो यहाँ भी उड़ा देता हूँ, लो सर तो बदतमीजी है ना, ऐसे थोड़ी उड़ेगा टाइम, कैसे नहीं, किसी एक वैल्यू को उठाओ यहाँ से और दूसरे में रख दो। जैसे पहली क्वेश्चन से टी कितना आया, एक्स बाई ए, और पुट इन बाई वाई इक्वल टू बी, टी की जगह क्या लिखोगे बच्चों, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, y इक्वल टू बी वाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखना जरा लोकस बन गया ना। तो ये है y इक्वल टू बी वाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है ना। बताओ स्माइलिंग फेस या दुखी राम, ये कैसा है, कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला है, हम ज़्यादातर y पे जब लिखते हैं ना सिंगल पावर तो ऊपर होता है नीचे, पढ़ा रखा भैया। तो बताओ सुखी राम दुखी राम, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है ना, ऐसे बता रखा है बेटा, याद करो, शाबाश। तो ये ऐसा बनेगा, अगर मैं इसे x और ये y, तो ऐसा बनेगा। तो ये है लोकस, जैसे 1D में हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते थे तो क्या होता था प्रॉब्लम, हम सोचते थे पार्टिकल जा रहा है, ये है रास्ता जिससे वो चल रहा है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन ये इसका लोकस है, कर्व चलते हुए दिख रही है कि ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यही था यही पेज। तो ऐसे, शाबाश। तो ये अब हम इधर नहीं दिखा रहे, तो अगर ऐसे दिखाएं तो ये लोकस आ गया, समझ में आ गया क्या फंडा है लोकस का। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, ये तो मैंने करा, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, और जरूरी नहीं होता है कि हमें बताना है कि पैराबोला है सर्कल, ये नहीं पूछता कोई, इक्वेशंस देखी जाती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बेटा अब डराने के लिए कुछ भी वेरिएबल लगा देगा, ऐसे x इक्वल टू अल्फा टी और y इक्वल टू बीटा बाई टी, है ना, पोजीशन ऐसे दे रखी है, तो आपको बताना है लोकस क्या होगा पार्टिकल का, बीटा और ये अल्फा, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, बताओ बच्चों।
देखो बच्चों, एलिमिनेट करना है तो कोई भी तरीका लगाओ। मुझे तो सबसे आसान ये लग रहा है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो टी कट जाएगा। कर दो जरा भाई, वैसे तो टी इक्वल टू एक्स वाई है, जैसे मैंने वहां किया था यहाँ रख दो तो भी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कुछ भी। अब तो तुम तो यार साइंस का स्टूडेंट हो, बहादुर बच्चे हो। तो एल्फा बीटा, एल्फा इंटू टी बीटा बाई टी, टी से टी कट गया, एक्स वाई इक्वल टू एल्फा बीटा, ठीक है ऐसे लिख लो। समझ आ गया बच्चों? अब ये कैसी कर्व है सर, वैसे बता देता हूँ नॉलेज के लिए, ये हाइपरबोलिक पाथ है। जब x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा, पढ़ लेने के बाद, इसे हाइपरबोला बोलते हैं। ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। ये है ऐसे कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, बेटा मुस्कान बहुत लेट हो। अब देखो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यानी कि ऐसे जैसे पढ़ाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मौज मस्ती, पढ़ाई बढ़ाते हैं तो मौज मस्ती घट जाती है, मौज मस्ती बढ़ाते हैं तो पढ़ाई घट जाती है। चॉइस तुम्हारी है बेटा, जिंदगी तुम्हारी है, है? तो ये आ गया लोकस फाइंड करने का तरीका। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और तुम उसे कितनी देर में करके दिखाओगे? एक मिनट में कर दोगे? चलो एक मिनट का सवाल है। ओके पोजीशन दे रखी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर टाइम शुरू करेंगे। ए साइन बी टी और वाई इक्वल टू ए कॉस बी टी, ठीक है। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड लोकस जल्दी से बताओ, फाइंड लोकस। शाबाश, आदिया ने किया है, देखो बच्चों ये क्या कर दिया। यहां एक छोटा सा कॉमन सेंस लगेगा, साइन और कॉस जो होते हैं बच्चों ऐसे भाई बहन है, इनका इलाज एक ही है, स्क्वायर करके ऐड करना होता है इनको, तो ये वन आ जाते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और पहले साइन देखो, जैसे साइन बी टी इक्वल टू एक्स बाई ए और कॉस बी टी वाई बाई ए, हमेशा ऐसे करना है। और इसका स्क्वायर करो जरा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी टी प्लस कॉस स्क्वायर बी टी इक्वल टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया वन, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये एक सर्कल की इक्वेशन है जो ओरिजिन पे है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक। क्या तुम कहते हो सर एक क्वेश्चन और दो, देखना स्पीड हमारी, अब हमें साइन कोस का पता लग गया है ना। चलो बेटा, बेटा जो लेट आए अभी, मुस्कान आज हम लोकस सीख रहे हैं, लोकस में क्या करना है, सीधे सीधे एक हिसाब लगाना है, एक्स वाई के अलावा जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दो, और लोकस होता है फिर पाथ होता है, पाथ की क्वेश्चन आ जाएगी जिसको पार्टिकल फॉलो कर रहा है, जिसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक सवाल देता हूं बच्चों मैं तुम्हें, क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू एल्फा कॉस ओमेगा टी, वाई इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा टी, एल्फा बीटा ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, फाइंड लोकस। पूरा एक मिनट मिलेगा बच्चों, स्टार्ट। और भैया और किसने किया? बात को पकड़ो, क्या करना है, साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है। और मैंने क्या स्टेप लगाए थे उसको देखा था ध्यान से, कि कॉस और साइन बिल्कुल साफ सुथरे अलग लिख लिए थे, तुम क्या कर रहे हो उनको साथ में लेके जा रहे हो। तो कॉस और साइन देखो बेटा, कॉस क्या आ जाएगा, एक्स बाय अल्फा, साइन ओमेगा टी वाई बाय बीटा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, भैया तो वन हो जाएगा जब स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर वाई बाई बीटा का होल स्क्वायर। भैया ये आ गया, और ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन। समझ आ गया बच्चों? छाप लो। इसके बाद अब लोकस के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, यहां इतने स्पेशल नहीं है। लोकस आएगा जब सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तब लोकस फाइंड करना मतलब रूल आ गया आपको समझ में कि भाई क्या करना है बताओ जरा। एक्स वाई के अलावा वेरिएबल को उड़ा देना है। जैसे कई जगह थीटा भी वेरिएबल होगा ऐसे, ठीक है, थीटा कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, तो अभी ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं, रूल समझ में आया।